सबसे पहले तो आप रुवा सब जितना लोग जुटल बनी मीडिया से और जे भी दर्शक देख रहल बा रुवा सब के चैनल के हमरा तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बा। और ये फिल्म जोन बा एगो अच्छा संदेश देवे खातिर भोजपुरी में हमने के बनाओ तंजा और हमरा उम्मीद बा कि रुवा सब के बड़ा अच्छा लागी हर तरह से। और हमारे डायरेक्टर साहब आने सुबीर सिन्हा जी, हमारे बड़े भाई याज भैया, हम लोगों के ये भोजपुरी के हृदय जी बहुत कुछ यहाँ के दिले बने भोजपुरी खातिर, हमारे गार्जियन कवि प्यारे लाल जी और विरह सम्राट विजय भैया जो कि आप जानते हैं, और सारे लोग जितने भी लोग हैं सब लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। कुछ अंदर से मुझे जिज्ञासा हुई कि कुछ अच्छा किया जाए तो हमने इस फिल्म में शुद्ध भोजपुरी, हमारी भोजपुरी का कल्चर क्या है हम देने का प्रयास किए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्या रोल निभाने वाले, किस तरह से किरदार होगा, क्या मैसेज आएगा? कुछ तो हिंट करिए। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक गुम नाम जो है लड़का है, जब आप कोई चीज़ सोच कर रखते हैं कि हमें ये करना है, अगर लक्ष्य आपका सही है तो एक दिन मिलता है आपका लक्ष्य। लक्ष्य से कभी अपना बिछड़ना नहीं चाहिए, हमेशा केंद्रित रहना चाहिए, संकल्पित रहना चाहिए। हमने इसमें यही चीज़ जो है संदेश दिया है, बाकी चीज़ जो है हमारे डायरेक्टर साहब। सर पूछे जो इसमें भोजपुरी फिल्में बहुत आ रही हैं तो क्या अलग होगा कि दर्शक आपकी इस फिल्म को देखेंगे, और जो दौर चल गया है जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों का, उसमें क्या हटके कर पाएंगे हम लोग इसमें? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारी प्राथमिकता है ना, वो दर्शक को पुनः सिनेमा घरों तक खींच के लाना है। तो विशुद्ध मनोरंजक फिल्म होगी, कुछ संदेश इसमें विशेष नहीं है जो सामाजिक हो गैर सामाजिक हो, लेकिन मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारे सबसे पुरोधा गीतकार जो है ना भोजपुरी के, वो भी यहीं बैठे हुए हैं। संगीत जो है भोजपुरी की आत्मा है, गायक जो हैं वो हीरो हैं इस फिल्म के, और हमारे विजय सर भी हैं यहाँ पर। तो इन सब को संयोजित करके, जो खो चुका था चार्म तो कभी भोजपुरी का खोया नहीं है, लेकिन फिर भी नई सोच के साथ हम सिनेमा घरों तक दर्शकों को लाने का है वो साधन बना रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ करके कहानियों की संरचना करना, जिसमें हमारी मूलभूत ढांचाएं जो हैं, ग्रामीण ढांचा, शहरी ढांचा, पारंपरिक जो तत्व है, फिर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए कदम है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी समाज केवल पारंपरिक ही चीज़ों को लेकर चलती है। आज आप देखेंगे तो भोजपुरी के सारे जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर भोजपुरी से सटे हुए जितने भी सीमा प्रांत क्षेत्र हैं, झारखंड, उनसे ही निकलकर बड़े बड़े ओहदे को हासिल कर रहे हैं। CEOs भी वहीं के लोग बन रहे हैं। तो उनकी सोच जो है ना, वो केवल अब पारंपरिक नहीं रही है, वो परंपरा से हटकर आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। तो वो जो गैप बनता जा रहा है ना सिनेमा में, कि केवल ग्रामीण परिदृश्यों को दिखाकर या फिर सिर्फ एक पारंपरिक चीज़ों को दिखाकर हम सिनेमा से लोगों को आकर्षित करें, तो वो हो नहीं पा रहा है। दर्शक टूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। तो वर्तमान जो परिदृश्य है उसको सानिध्य के साथ जोड़ करके जो है हम उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज मुहूर्त किया तो क्या लगता है कब तक ये पर्दे पर आप लोग आ पाएंगे? देखिए, फिल्म की जो इसकी जो एक शेड्यूल बनाई गई है ना, चूँकि आज दशहरा है, दसों दिशाएं खुली रहती है, और हमारे जो नायक हैं उनके विशेष मतलब आसक्ति है, भक्ति है देवी के ऊपर, तो उन्होंने आज का दिन मुहूर्त के लिए चयनित किया है। इसके बाद हम संगीत के ऊपर जाएंगे, क्योंकि संगीत इस फिल्म का जो है ना मूल आत्मा है। एक संगीतकार की ही कहानी है ये, उसकी मूल आत्मा है संगीत, और उसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन हम शूटिंग शेड्यूल जो है वो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में कर रहे हैं,
फिर बाकी शेष जो है आपका आशीर्वाद है, ताकि हम सिनेमा घरों तक पहुंच सकें, वो आप निर्धारित करें कि कितना आशीर्वाद आप देते हैं। सनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेकर सिर्फ मैं इतना ही फिलहाल कहना चाहूँगी कि अब तक मैंने जो भी फिल्में की हैं उससे बहुत हटके हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हैं इन लोगों के साथ मैं पहली बार जुड़ रही हूँ, और ये बहुत ही पुराने लोग हैं भोजपुरी के, जब भोजपुरी का स्टार्ट रहा है और इन्हीं लोगों ने भोजपुरी को एक नई दिशा दी थी जब भोजपुरी बंद हो गया था। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और ये फिल्म बेसिकली हम सब बोलते हैं कि हमारी फिल्म हटके होगी, बट इसकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि एक्चुअली में ये अलग है। और जैसा कि सर ने कहा कि एक पारंपरिक चीज़ों को लेके सिर्फ हम ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो हमको दोनों दिखाना पड़ेगा। तो इस फिल्म में वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो इस फिल्म में काम करके अपने आप को लाइक बहुत लकी फील कर रही हूँ। बस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत पावन दिन है, दशहरा का शुभ पर्व है, और आज इस शुभ दिन पे आज हम लोगों ने अपनी फिल्म का मुहूर्त किया, और नो डाउट ईश्वर अल्लाह का कृपा बनी रहेगी हम सब पे। और देख सकते हैं कि माता भी अभी हमारे हाथों में है, मेरे साथ हैं विंध्यवासिनी माता। और जिस तरह सुवीर जी ने, राजू जी ने बताया इस फिल्म को लेके कि फिल्में बहुत बन रही हैं, बनना बड़ी बात नहीं है, हम क्या बना रहे हैं वो बड़ी बात होती है, कैसे बना रहे हैं वो बड़ी बात होती है। और जिस तरह से सुवीर जी ने अपना विचार रखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ही अलग होगी, क्योंकि फिल्म का जो एक डायरेक्टर होता है उसको बोलते हैं कैप्टन। तो जब कैप्टन अच्छा होता है, समझदार होता है, सूझबूझ वाला होता है, तो वो पूरी टीम को अपना कैसे समायोजित करना है, कैसे किसको यूटिलाइज करना है, किसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो उसकी बखूबी जानता है। तो नो डाउट ये फिल्म जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। और जैसे कि बोल रहे हैं कि हम लोग शूट जनवरी लास्ट एंड फरवरी फर्स्ट वीक में करेंगे, और उस समय वेदर भी बहुत अच्छा रहता है, हल्की ठंडी रहती है, उस समय वेदर भी बहुत प्यारा रहेगा। तो ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो हम लोग एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म बनाएंगे जो भोजपुरी दर्शकों के लिए एक उपहार होगा।